Subscribe to the channel and press the bell icon to never miss an update from Patna Shots. इट्स 9 o'clock एंड आई हैव वोकन अप. मेरे साथ उठने का सीन ऐसा है ना कि अगर मुझे पता है कि मुझे उठ के किसी मिलने जाना है या कोई काम है तो आई कैन वेक अप एट 4:35 o'clock विद जस्ट अलार्म क्लॉक का 1 buzz. आई विल बी अप एंड रेडी. बट इफ मुझे मालूम है कि कोई काम नहीं है मेरे पास, उठकर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट नथिंग टू डू, मेरे उठने से नहीं उठने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, देन आई डोंट वेक अप. दैट्स माय फंडा. गुड मॉर्निंग गाइज. सो मेरा सुबह उठने का टाइम है बिटवीन 7 to 7:30. और रूम से निकलने से पहले जो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो है इस बॉटल के पानी को फिनिश करना. पानी पूरा फिनिश करके बेड ठीक करके ही अपने रूम से निकलते हैं. गुड मॉर्निंग. आज मुझे मॉर्निंग मीटिंग बाहर नहीं जाना. थोड़ी रिलैक्स मॉर्निंग चल रही है मेरी. व्हाट हैविंग माय मॉर्निंग मीटिंग. सुबह की चाय से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हम खाते हैं और वो है ये होममेड एनर्जी बार. ये बहुत आसान है बनाना. इसमें ओट्स है, गुड़ है, पीनट बटर है, ड्राई फ्रूट है. तो इसका एक टुकड़ा खाने के बाद ही हम लोग सुबह की चाय पीते हैं. सो नाउ आई एम एट द ब्रेकफास्ट टेबल. आज का जो तो मेरे पापा को ना पूरी भुजिया या पूरी सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज उनके साथ उनका ब्रेकफास्ट बना. अदरवाइज गिवन ऑन मी हम मोस्टली एग ऑन इन एनी फॉर्म और ब्राउन ब्रेड खा रहे होते हैं. एंड इसके अलावा मुझे पोहा बहुत पसंद है, तो बहुत पसंद खा रहे हैं. बट आज तक मैंने पूरी भुजिया. वेदर बहुत अच्छा था क्योंकि रात भर बारिश हुई है, तो हम लोगों ने सोचा कि आज की चाय जो है वो छत पे इंजॉय की जाए. अभी इसके बाद मेरा शेड्यूल है ब्रेकफास्ट बनाना और आज का मेन्यू है छोला एंड पराठा. सो नाउ आई एम गेटिंग रेडी. समय ना समर कैंप था तो उसके लिए ना हमें एक डांस परफॉर्मेंस का वीडियो बना के देना है, तो वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट नाउ. जैसे कि आपने देखा हमारा वीडियो शूट करके हो गया. मुझे कपड़े चेंज करने पड़े क्योंकि मुझे कलर कोऑर्डिनेट करना पड़ा समय के साथ. बट इट वाज फन उसके साथ डांस करना. एंड अब मुझे करनी है एडिटिंग उस वीडियो की, सो दैट आई कैन सेंड इट अप. सो इफ यू आर वंडरिंग कि हम दिन में कितने बार कपड़े बदलते हैं, ये मेरा लास्ट टाइम है. मुझे एक्चुअली बाहर जाना है. तो अभी हम रेडी हैं और बाहर खड़े हैं क्योंकि हम जा रहे हैं घर और आज मेरा लंच घर पर होगा. सो आई एम फाइनली होम. रास्ते में थोड़ी बारिश शुरू हो गई थी तो हम आधे ज्यादा भीग गए हैं, बट नो वरी. आज का प्लान ये है कि घर में मम्मी और भाभी के हाथ का खाना खाना है, नीस के साथ खेलना है, सबसे बातें करनी है और फिर शाम में वापस घर. रेडी टू गो आउट. सो काफी दिनों बाद हम काम से बाहर निकले हैं. जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हेड स्टार्ट के लिए वॉलंटियर कर रहे हैं, तो हम अपनी टीम से मिलने पहली बार जा रहे हैं. हमारी ये टीम वर्चुअल टाइम्स में बनी थी, सो वी आर गोइंग टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर लॉकडाउन. और हम लोग थोड़ा काम करेंगे और थोड़ा फन करेंगे. सो लेट्स गो. आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ डॉग और ये है फैंटम मेरे ही पैर के पास आके बैठ गया है. बट इज अ वेरी नाइस डॉग. एक बार मैंने इसके भौंकने की आवाज सुनी.
घर से घर वापस आ चुके हैं और थैंकफुली रास्ते में कोई ट्रैफिक नहीं मिला, बारिश भी नहीं हुई, तो हम सेफ एंड साउंड पहुंच गए। और अभी हम अपने शाम की चाय इंजॉय कर रहे हैं। आफ्टरनून्स में लंच बनाने और खाने के बाद मेरा काम होता है फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग, जो मेरा ऑफिस का काम है वो फिनिश करना, और उसके अलावा वीडियो एडिटिंग अगर बाकी है तो वो कंप्लीट करते हैं। लेकिन आज हम घर चले गए, तो अभी चाय फिनिश करने के बाद हम एक घंटे उस काम को फिनिश करेंगे और उसके बाद लगेंगे डिनर बनाने में। सो वापस आके हम काम करने के लिए बैठे और आई हैव जॉइंड एज अ सोशल मीडिया मैनेजर फॉर अ यूएसए बेस्ड वेंचर इंक्यूबेशन कंपनी कॉल्ड ओपन ग्रोथ। सो उसका काफ़ी सारा काम रहता है, पर अच्छी चीज़ ये है कि वर्क फ्रॉम होम, सो आई एम गोइंग टू गेट बैक टू वर्क। डिनर हो चुका है और अब हम अपने बेडरूम में आ गए एंड अब सोने से पहले व्हाट वी डू इज वी रीड। हम लोग जो भी किताब पढ़ रहे हैं उसमें से कुछ पेजेस हम लोग पढ़ते हैं और उसके बाद ही सोते हैं। सो मेरा काम खत्म हो गया है और अब हम डिनर करेंगे एंड देन आई कॉल इट अ डे, आई विल ट्राई टू स्लीप। सोने के पहले थोड़ा सा नेटफ्लिक्स एंड चिल होता है, पर वी रियली होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और हमने पूरे दिन भर क्या किया उसमें आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आया हो। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप पूरे दिन क्या करते हैं। अब लॉकडाउन वापस से शुरू हो चुका है, तो प्लीज स्टे एट होम, स्टे सेफ, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, समय समय पे हाथ धोते रहें और निकले बाहर तभी जब बहुत ज़्यादा जरूरी हो। And if you like this video, then don't forget to subscribe to our channel. Also like and share. Bye. Good night.